अब आज दिल्ली के लिए रवाना भी हुए हैं आज। अच्छा, हम लोग एयरपोर्ट तक छोड़ के आए हैं अभी। अच्छा, अभी छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो अब संभव है कि 5 तारीख तक उनका उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, यानी कि निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बने हैं। 2 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। अभी हम इनके पार्टी ऑफिस में हैं। हमारे साथ देखिए कि इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ बिहार के राष्ट्रीय महासचिव देवन मुखिया जी हैं, और इधर छात्र के राष्ट्रीय उप अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से पार्टी के जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आज यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य बने हैं तो शपथ ग्रहण करने के लिए एयरपोर्ट गए हैं और रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए। बाकी इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? फजल इमाम मलिक। अच्छा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए हैं जी। आपके पार्टी को एक राज्यसभा सदस्य टिकट मिला और इसके जो मुखिया थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको निर्विरोध चुना गया। हाँ, निश्चित तौर पर इससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है, चूँकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं। पार्टी का विलय भी हुआ, फिर पार्टी बनी भी, और उसके बाद उनके साथ जो लाखों कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार में और देश भर में, मुझे लगता है कि उससे उनको ऊर्जा का संचार हुआ है। नए तरीके से पार्टी, चूँकि एक सदस्य अभियान चल रहा है, तो नए तरीके से पार्टी फिर आगे बढ़ेगी। और हम तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूँकि अब ज़्यादा दस्तक सुनाई पड़ रहा है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी, ताकि बिहार में फिर से NDA की सरकार बड़े बहुमत से यहाँ बना सके। राज्यसभा के सदस्य बने हैं, लोगों को किस तरीके से वो मदद करेंगे, किस तरीके से ऐसा काम करेंगे ताकि लोगों के दिल में और जगह बना सकें? निश्चित तौर पर देखिए, पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा या लोकसभा या विधान परिषद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य रहे, वो जन सरोकारों के मुद्दे लगातार उठाते रहे, चूंकि सामाजिक न्याय उनकी सोच के केंद्र में है। तो जहां दवाई, पढ़ाई, कमाई जैसे मसले हों, जब शिक्षा के सवाल पर लगातार हम सवाल उठाते रहे, कॉलेजियम के सवाल के मसले पर लगातार मंत्री रहते हुए सदन में उन्होंने आवाज़ बुलंद की। तो जन सरोकारों का जो मुद्दा है, वंचितों, शोषितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियतों, दलित, महादलित, उनकी आवाज़ एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा वहाँ आवाज़ उठाएंगे सदन में, क्योंकि पहले भी उठाते रहे, मंत्री थे तब भी उठाते रहे, सड़क पर रहे तब भी उठाते रहे। तो फिर आने वाले, अब चूँकि एक राज्यसभा में फिर से उनकी आवाज़ गूंजेगी, और उनकी आवाज़ इसलिए भी ज़रूरी थी राज्यसभा में, क्योंकि बिहार के जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ सदन में कैसे गूंजे, इसके लिए ज़रूरी था कि उनका सदन में जाना। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ इस पार्टी के प्रदेश महासचिव देवन मुखिया जी हैं और ये शेखपुरा के रहने वाले हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले जितने भी लोग हैं, सारे लोग में खुशी का माहौल है, और इसका बेनिफिट NDA गठबंधन को मिलेगा। अच्छा, पिछले बार कम बेनिफिट मिला था। हाँ, पिछले बार कार्यकर्ता में जब उत्सुक नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगा, तो उतना एनर्जेटिक से काम नहीं करता है। अब इस बार है, जो कि हम लोग का नेता चले गए राज्यसभा, तो सारे कार्यकर्ता में एनर्जेट हो गया है, सब में खुशी का माहौल है, पूरा एनर्जी भर गया है, यानी बूस्टर का काम किया गया है। हाँ, अब आज दिल्ली के लिए रवाना भी हुए हैं आज। अच्छा, हम लोग एयरपोर्ट तक छोड़ के आए हैं अभी। अच्छा, अभी छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो अब संभव है कि 5 तारीख तक उनका शपथ ग्रहण भी होगा। तो आज हम लोग शेखपुरा से चलकर पटना आए हैं। अच्छा, उनको छोड़ने के लिए आए थे। बहुत खुशी है, आप लोग बहुत खुश हैं कि आपका जो है एक टिकट मिला, राज्यसभा का सदस्य मिला, वो भी आपके मुखिया जो है इसके सदस्य बने हैं। जितना भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले हैं, सारे लोग खुश हैं। अच्छा, इसमें कहीं दो मत का बात नहीं है, सारे लोग खुश हैं। अच्छा, आपकी पार्टी जो है अरालमो किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, यानी कि लोगों तक कैसे इसका विस्तार हो रहा है? हम लोग का भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आदेशानुसार अभी हम लोग को हर जिला में
3 से 4 लाख सदस्य बनाना है। अच्छा। हम लोग उसी में भी लगे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता साथी लगे हुए हैं। हम भी लखीसराय के प्रभारी हैं, वहाँ भी हम लोग कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग को जोड़ेंगे। अच्छा। चल रहा है अभी। और शेखपुरा भी हमारा गिरी जिला है और शेखपुरा विधानसभा से हम लोग आते हैं, वहाँ भी हम लोग 2.5-3 लाख कार्यकर्ता बना के देंगे, सदस्य को बना के देंगे। हम लोग का ही लक्ष्य है। कितने दिनों में ऐसे करें हम लोग? अगला मंथ तक हम लोग दे देंगे। एक दिन में 1 लाख लोगों का सदस्यता ग्रहण करवा देना है? हाँ, लगभग हो ही जाएगा अगला मंथ तक, यानी कि 2 महीने। हाँ, बाकी आप लोग बता सकते हैं। हाँ, सदस्यता अभियान 9 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद फिर चूंकि पार्टी में चुनाव भी होने हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू होनी है, तो सदस्यता अभियान अक्टूबर तक चलेगा। और मुझे लगता है कि अगर बात करें कि जब हम लोगों ने जदयू में विलय किया था, तो जदयू पिछले 16-17 साल से यहाँ सत्ता में थी, उसके सदस्यों की संख्या 35-40 लाख थी, ये ऑफिशियल बयान है उनका। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के विलय के बाद सदस्यों की संख्या 70 लाख से ज़्यादा 70 लाख पहुँच गए। तो इससे समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत क्या है बिहार में। जदयू में के साथ हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में, और इस बात की पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आपका क्या विचार है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। अभी हम RLM पार्टी ऑफिस के बाहर थे और इस पार्टी से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, जो भी सदस्य लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे थे CKTV इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।